अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये फाइल अपने आप से ये शेख के पास पहुंच गई। चल के ये शेखर का ढक्कन अपने आप खुल गया। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी, क्या बोलूंगा मैं अब वहां जाके। क्या तमाशा लगा रखा है यहां? तुम लोग ढंग से पाठ भी नहीं करने देते, क्यों इतना शोर मचा रखा है? नहीं नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस छोटी सी बहस हो गई थी और कुछ नहीं है। बुआ, बुआ जी देखिए, राधिका ने क्या किया, हमारे बच्चे के इतने इंपॉर्टेंट पेपर्स उसमें ये शेक गिरा दिया। राधिका की लापरवाही से देखिए सारे पेपर खराब हो गए। मुन्ना, क्या ये जरूरी कागजात थे? हाँ, कहा तो पड़ी दादी, कहीं राधिका को फिर उल्टा सीधा बोलना ना शुरू करते। नहीं बड़ी दादी, वो इतना कुछ खास नहीं था, मैं वो मैनेज हो जाएगा। सच सच बताओ, क्या ये जरूरी कागजात थे? थे तो सही बड़ी दादी। हाँ तो इसकी कॉपी तुम्हारे कंप्यूटर में होगी ना, दोबारा निकाल लो, इतना शोर करने की क्या जरूरत है? अरे हाँ, ले ये बात तो मेरे ध्यान में नहीं आई, ये इसकी एक कॉपी तो मैंने तुझे मेल की है। अब बताओ, सबके सब बिना सोचे समझे राधिका पर टूट पड़े। माना एक बार हमसे भूल हो गई, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरह से जान गए हैं, तो इसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेंगे। और दिव्यम, वैसे भी तू तो हमेशा पत्नी का साथ देता था, फिर आज सुबह सुबह तुम लोग ने इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्यों सब लोग उसको डांटने पे तुले हुए हो? अरे बेटा, पति पत्नी को सुबह की शुरुआत मीठे शब्दों से करनी चाहिए। सुजाता, उल्टी गंगा बहने की कहावत तो मैंने कई बार सुनी थी, आज तो सामने से देख भी दिया। और सुजाता, तुम क्या सुबह से शाम तक बहू को डांटने का मौका ढूंढती रहती हो? अगर हम तुम्हारी गलतियां गिनने लगेंगे ना, तो सुबह से रात हो जाएगी। चलो अब सब लोग चलो, ये दोनों समझदार हैं, अपनी समस्या अपने आप सुलझा लेंगे। चलो जी जी जी। सॉरी दिव्यम जी, लेकिन हमने ये जानबूझकर नहीं किया है। इट्स ओके राधिका, निकल जाएगी इसकी दूसरी कॉपी। बोलो भैया ने कहा ना, हम तुम प्लीज मेरे लिए टिफिन बना दो, मुझे लेट हो रहा है। हमने तो शेक की बोतल दूर रखी थी और अच्छी तरह से बंद भी की थी, फिर शेक कैसे गिर गया? हे भोलेनाथ, कल त्योहार है और आज हमने दिव्यम जी को नाराज कर दिया। बड़ी दादी के आने के बाद कल पहला त्योहार है जो हम घर की बहू के रूप में मनाएंगे, वरना करवा चौथ, दिवाली, नया साल सब छुप छुप कर मनाया है हमने। आज हमारी बेवकूफ़ी की वजह से जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल हमसे कोई भी गलती मत होने दीजिएगा। दिव्यम जी का गुस्सा शांत रखिएगा, त्यौहार का असली मकसद परिवार को करीब लाना होता है, तो आप बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हमारा परिवार भी हंसी खुशी ये त्यौहार मनाए। तुम यहाँ चार चार बार प्लेट भर के खाना खाओ,
और वहाँ हमारा बेचारा बच्चा भूखा ही ऑफिस चला गया है। माँ जी, ये खाना हम दादी जी के लिए लेके जा रहे थे और टिफिन जी के पास खाना खाने का टाइम नहीं था, इसलिए उनके लिए टिफिन भिजवा दिया है हमने। टिफिन तो सिर्फ बहाना है राधिका, दिव्यम जब गुस्से में होता है तो उसे खाने पीने की सुध नहीं रहती है। लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो बस अपनी खुद की सेवा में लगी रहो। तुम जाओ यहाँ से, हम रख लेंगे अपने बच्चे का ध्यान। माँ जी कह तो सही रही है, पता नहीं दिव्यम जी ने कुछ खाया भी है या नहीं। आज हम सारा खाना अपने मुन्ना की पसंद का बनाएंगे। दिव्यम जी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? वो आज गुलवे ने बाहर से खाना मंगवाया था ना, तो वही खा लिया। लेकिन आप तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं ना, और वैसे भी आज तो हमने आपकी मनपसंद सब्जी बनाकर भेजी थी। हाँ, लेकिन आज घर का खाने का मन नहीं था। दिव्यम जी, आपने वहाँ बाहर खाना खा लिया और यहाँ हम इस फिक्र में भूखे बैठे रहे कि पता नहीं आपने कुछ खाया भी होगा या नहीं। तो मुझे इमोशनली ब्लैकमेल कर रही हो? आप पर असर हो रहा है? नहीं, तुमने कुछ नहीं खाया ना? ये देखो, डब्बे में खाना पड़ा हुआ है, खा लो। क्योंकि मेरा पेट तो भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी। मेरा फोन बज रहा है। हाँ, हम तो खाना खाएंगे, ऐसे अन्य का अपमान थोड़ी करेंगे। लेकिन कहते हैं अगर पति पत्नी साथ में बैठकर खाना खाए ना, तो उनके रिश्ते में विश्वास बढ़ता है, उनका रिश्ता मजबूत होता है। वैसे दिव्यम जी, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी, हमने जानबूझकर नहीं किया था, गलती से हो गया था। और वैसे भी कल बसंत पंचमी है, तो नए मौसम के नए अवसर पर हम नई शुरुआत करते हैं ना। आप प्लीज अपना गुस्सा थोप दीजिए और हमें माफ कर दीजिए। मैंने भी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया। खैर, बहुत हो गया रोटना मनाना, अब ओनली खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं क्या करूं खाटू जी, आपने मुझे कैसे दोराही पर लाकर खड़ा कर दिया है। मम्मी जी घर छोड़कर चली जाएंगी, पर मैं नाहर जी की मजबूरी भी समझ सकती। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाइए। ये एपिसोड देखिए यूट्यूब पर रात 8:30 बजे। क्या हुआ सुजाता? हम तो इन्हें प्रसाद देने आए थे, ये दोनों इतना प्यार से खाना खा रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बिल्कुल राम सीता की जोड़ी है। कहीं हमारी नजर ना लग जाए इन दोनों को। सुजाता, क्या उनके बर्तन भी लेकर जाओगी क्या?
चलो बसंत पंचमी की तैयारी करनी है। जी बुआ जी। बहुत उछल रही है ये राधिका, इसकी जिंदगी से तो हम सारा बसंत बाहर मिटा के रहेंगे। सुजाता, कविता, प्रभा, कहाँ हो सब लोग? अरे अभी तक सो रहे हो क्या? माँ सरस्वती का मंदिर सजाना है, कहाँ हो तुम सब लोग? जल्दी नीचे आओ। बड़ी दादी, हमने मूर्ति और मंदिर की सजावट कर दी है, सिर्फ प्रसाद बनाना बाकी है। अक्सर सासे बहुओं को पूजा विधि और आचरण सिखाती हैं, लेकिन यहाँ देखो राधिका बहू इतनी गुणी है कि उसने सारा काम खुद ही कर लिया अकेले। कितनी समझदार है ये। और सासों को तो देखो सोने से ही फुर्सत नहीं है। अब बुआ जी, वो क्या है ना, मेरे बाथरूम में पानी खत्म हो गया था तो इसलिए मुझे आने में देरी हो गई। बस कविता, इन बहानों की तो कमी थी ना, बाकी काम तो तुम अभी तक सीख नहीं पाई, लेकिन बहाने बनाना बहुत अच्छे से सीख गई। बड़ी दादी, हमने जो कुछ भी सीखा है वो माँ जी और ताई जी से ही सीखा। राधिका, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बिटिया, सारे अच्छे अच्छे काम खुद कर लेती हो और श्रेय बड़ों को देती हो। वैसे सच में आज तुमने बहुत अच्छी सजावट की है बिटिया। थैंक यू दादी। ये क्या है कली, एक तो घर की बड़ी बहू होकर सबसे आखिरी में तैयार होकर आ रही हो, वो भी गलत कपड़ों में। प्रभा जी, आज सबको बोल दो आज सरस्वती माँ की पूजा है तो सब लोग पीले वस्त्र पहनेंगे। जी। राधिका, बसंत पंचमी की पूजा का भोग तुम ही बनाओगी। लेकिन बुआ जी, हर साल तो बसंत पंचमी पर हम ही भोग बनाते आए हैं और हमारे हाथ का बना भोग मुन्ना को बहुत पसंद है। सुजाता, बहू के गृह प्रवेश के साथ ही सास की जिम्मेदारी और बोझ कम हो जाना चाहिए, और फिर वो चाहे घर की जिम्मेदारी हो या तीज त्योहार की, आज से हर पूजा का भोग सिर्फ राधिका बनाएगी। जी ठीक है राधिका, जैसा बुआ जी ने कहा है कि अब से भोग तुम ही बनाओगी। बसंत पंचमी पर हमारे यहाँ पीले रंग के खास तरह के चावल बनते हैं, हम तुम्हें बता देंगे कि वो कैसे बनते हैं। जी माँ जी। राधिका, दिव्यम अभी तक नहीं जागा? दादी हम देख कर आते हैं। नहीं राधिका, तुम रुको, हम देख कर आते हैं दिव्यम को, तब तक तुम जाओ किचन की साफ सफाई कर लो। भोग बनने से पहले किचन पूरा साफ सुथरा और शुद्ध होना चाहिए। जी माँ जी। कली, तुम जाकर पहले कपड़े बदलो और उसके बाद थाली में 21 दिए जलाकर तैयार रखो। जी बड़ी दादी साजी। अभी बुआ जी ने आज राधिका को भोग बनाने की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन हम अपनी बहू को ये बताना चाहते हैं कि भले ही उसे सास की जिम्मेदारियां मिल गई हैं, लेकिन सास का ओहदा बहू से कहीं ऊंचा है। आज भले ही बुआ जी ने राधिका की तारीफ कर दी हो, लेकिन हम चाहते हैं कि बुआ जी उससे उतनी ही नाराज रहे। सुजाता, तो फिर मिला लो हाथ। अरे मुन्ना, तू अभी तक काम कर रहा है बेटा, कुछ ही देर में पूजा शुरू होने वाली है। हाँ माँ, जानता हूँ, इसीलिए काम जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ ताकि पूजा शुरू होने से पहले काम खत्म हो जाए। आप चिंता मत करो, मैं पूजा शुरू होने से पहले सीधा पहुँच जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ये देख हमने तेरे लिए ये कुर्ता मंगवाया था, तुझे पसंद है कि नहीं देख ले एक बार। हाँ माँ, आपने कुर्ता लाया है तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छा ही होगा, आप रख दीजिए मैं पहन लूंगा। ठीक है, ये देख
हमने कुर्ता यहाँ पर रख दिया है, देख लेना और पूजा में इसे ही पहन कर आना। हाँ माँ। ड्राई फ्रूट्स को पहले घी में हल्का सा भूनना है। जब तक ये भुन रहा है, हम एक काम करते हैं, चावल धो लेते हैं। हेलो। हेलो मैडम जी, आपका ऑर्डर। ऑर्डर? अच्छा हाँ हाँ, ठीक है, आप बाहर रुकिए, हम आकर लेते हैं आपसे। पीला कुर्ता तो हम कैंसिल करना भूल ही गए थे। माँ जी ने दिव्यम जी के लिए पहले ही कुर्ता मंगवा दिया है। एक काम करते हैं, इसे रख देते हैं, दिव्यम जी कभी बाद में पहन लेंगे। पहले जाकर इसे कमरे में रखाते हैं, फिर आकर भोग बना लेंगे। आप ठीक तो है ना? राधिका, कितनी बार तुमसे कहा है कि मत मस्त हाथी की चाल मत चला कर, देख लिया करो, हो सकता है सामने से कोई हल्का फुल्का इंसान आ रहा हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस दुनिया को रौंदते हुए चलना है। सॉरी माँ जी, वो हम भोग ऐसे आधा अधूरा छोड़कर आए ना, इसलिए जल्दी में जा रहे थे। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो माँ जी, हमने भी दिव्यम जी के लिए पीला कुर्ता ऑर्डर किया था। अच्छा, तो अब तुमने हमारी देखा देखी हमारे बेटे के लिए कुर्ता ऑर्डर कर दिया। बीवी होने का हक जता रही हो? नहीं नहीं माँ जी, हमने तो पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन आपने जो कुर्ता दिव्यम जी को दिया है वो वही पहनेंगे, हम बस इसे अलमारी में रखने जा रहे थे। हाँ, तो हमारा बेटा है, वो हमारी ही पसंद का कुर्ता पहनेगा। और वैसे भी तुमने जो कुर्ता मंगवाया है वो देख करके इतनी सस्ती सी क्वालिटी का लो क्लास लग रहा है। हमारा मुन्ना ऐसा कुर्ता कभी नहीं पहनेगा। जानती हो ना हमारे मुन्ना की पसंद कितनी हाई फाई और क्लासी है। अब जाओ, जाकर के इस कुर्ते को रख दो। और हाँ, भूख में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सिंदूर कैसे गिर गया कुर्ते पर? जरूर राधिका ने जल्दबाजी में गिरा दिया होगा। क्या पहनूंगा अब मैं पूजा में? माँ ने कितने प्यार से। दूसरा कुर्ता कहां से आ गया? कैसे हो गया?
थे कि हम तो गैस और नल बंद करके गए थे, फिर ये किसने किया? हे भोलेनाथ, ये हम क्या सोच रहे हैं? आज त्योहार के दिन ही अपने घर वालों पर शक कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो हम जल्दबाजी में पार्सल लेने गए थे ना, हमसे ही गड़बड़ हो गई होगी। पर अब क्या करें, ये माँ जी की दी हुई रेसिपी तो चल गई पूरी तरीके से। पूजा का समय होने वाला है, भोग कैसे बनाएंगे हम? हेलो मम्मी, आप जो पीले चावल बनाती है ना, जल्दी से उसकी रेसिपी बता दीजिए हमें। हाँ हाँ, बसंत पंचमी पर हमारे यहाँ पीले रंग के खास तरह के चावल बनते हैं। भोग में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये भोग तो हम अपने घर के तरीके से बना रहे हैं, कहीं माँ जी नाराज ना हो जाए। हम भी अपना कैमरा पहले से तैयार रखते हैं। मुन्ना हमारा वाला कुर्ता पहन करके आएगा, उसकी फोटो क्लिक करेंगे। हमारे दिए हुए कुर्ते में तो वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा होगा। हमारा मुन्ना ऐसा कुर्ता कभी नहीं पहनेगा। जानती हो ना हमारे मुन्ना की पसंद कितनी हाई फाई और चासी है। कैसा लगा? मुन्ना तूने ये कुर्ता क्यों पहना? क्यों पहना मतलब, माँ आप ही तो लाई थी, ये कुर्ता ऊपर पड़ा हुआ था। नहीं नहीं, हम तो वो दूसरा वाला कुर्ता लेकर आए थे, हमने तुझे दिखाया भी था, वही टेबल पर रख दिया था हमने उसे। हाँ माँ, लेकिन उस पे तो सिंदूर गिरा हुआ था, दाग लगे हुए थे, मुझे लगा कि ये कुर्ता पहनने के लिए कहा था।